जुलाई पैच नोट्स प्रीव्यू। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। M249 LMG एयर ड्रॉप से हटा दी गई है और अब फिल ड्रॉप में मिलेगी। काराकिन मैप के अलावा M249 बाकी हर बचे हुए क्लासिक मैप्स में मिलेगी। अब हम देखेंगे एक नया वेपन जो है MG3। सप्लाई क्रेट में यह जगह लेता है M249 की, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सप्लाई क्रेट में ही मिलेगा। MG3 भी एक लाइट मशीन गन है। इसकी एक खूबी है कि इसकी फायर पावर निरंतर है। यह 7.62 एमए का इस्तेमाल करती है और 75 बुलेट्स इसके मैगजीन में रह सकती है। उसकी फायर पावर तेज और निरंतर है, हालांकि रीलोड करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। MG3 6 स्कोप तक ले सकता है। ये भी ध्यान रखिए कि किसी अन्य अटैचमेंट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और इस वेपन के लिए कोई सिंगल शॉट मोड नहीं होगा। आप MG3 मोड के लिए 660 या 990 RPM मोड के बीच में चूज कर सकते हैं। इसमें एक बाइपॉड भी होता है जो आपके लेटने पर अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा। स्थिरता में सुधार करने के लिए एक अच्छा टिप, आप लेट सकते हैं। आप हीलिंग कंज्यूमेबल्स को फेंक सकते हैं। हीलिंग कंज्यूमेबल्स को ट्रैजेक्टरी स्लॉट में जोड़ा गया है। उन्हें फेंकने के लिए आप एक हीलिंग कंज्यूमेबल्स को चुन सकते हैं और थ्रो बटन पर टैप करें। प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब गलत तरीके से फेंका जाए तो उछल सकता है, तो कृपया इस फीचर का उपयोग करते समय ध्यान दें। टीम के सदस्य से दूर से पूछना संभव है कि वो आपको हीलिंग कंज्यूमेबल्स फेंके। रैंकिंग सीजन अपडेट हो गया है और इस सीजन में अलग होगा। इसमें एक टियर ऐड किया गया है जो एस और कॉन्करर के बीच में होगा, और अब टियर के आइकॉन्स लेवल अप के इफेक्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे। रैंकिंग सीजन में एक चैलेंज पॉइंट सिस्टम भी ऐड हो जाएगा। आप चैलेंज पॉइंट कमा सकते हैं। इसको कमाने के लिए आप अपने साथियों के साथ एक फुल गेम कम्प्लीट करें, गेम को बीच में ना छोड़े और अपने साथियों को अटैक ना करें। चाहे आप बैटल से जल्दी क्यों ना एलिमिनेट हो जाए, अगर आप चैलेंज पॉइंट एक लेवल तक पार कर जाते हैं तो आप डिडक्टेड रैंकिंग पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। सीजन सीरीज वाले रिवॉर्ड्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने उसी सीजन में एक ऊपर वाला टियर हासिल किया है। पिछले सीजन से तुलना करेंगे तो उससे बेहतर चीजें उपलब्ध है। कुछ समय के लिए मिशन इग्निशन मोड एरेंगल मैप में मिलेगा। इस थीम मोड में एरेंगल के 6 हाईटेक स्थान होंगे। ट्रांजिट सेंटर, जॉर्जो पोल, टेक सेंटर, सोस्नो का सिक्योरिटी सेंटर, लॉजिस्टिक एजेंसी और एनर्जी सेंटर। काफी सारे दिलचस्प अपडेट्स होंगी इस मोड में। अगर आप उत्सुक हैं, तो आए इन अपडेट्स को जानते हैं। इस मिशन इग्निशन मोड में जब आप पैराशूट से लैंड कर रहे होंगे तो शेरों के नाम 3D में देखे जा सकते हैं, और आप मैप पे मार्क किए गए पॉइंट पर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर सकते हैं। हाइपर लाइन्स एक ऐसी हाईटेक हवा में उड़ती हुई लाइन है जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। ये लाइन कुछ निर्धारित समय पर ही चलती है और इनके रूट्स भी तय है। आप मिनी मैप पे मार्क स्टेशन से ट्रेन ले सकते हैं और जल्द ही आप दूसरे स्टेशन पहुंच सकते हैं। सेमी ट्रक स्वायत्त ड्राइविंग वाहन है जो निर्धारित मार्ग पर चलते हैं और सप्लाई से भरे होते हैं। अगर आपको अच्छी लूट चाहिए तो इन ट्रक्स पर आक्रमण करें। अगर आप इन्हें नष्ट करने में सफल हुए तो आपको सप्लाई बॉक्सेस का रिवॉर्ड मिलेगा। जहाँ से भी देखे ये एक भविष्य की चीज लगती है। द G38 ग्रेविटी फ्री मोटरसाइकिल जमीन के ऊपर मंदराता है और इस पर दो लोग बैठ सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जमीन और पानी पर चलती है, आप पूरा मैप घूम सकते हैं। जब प्लेयर्स एयर कन्वेयर पर बैठेंगे तब वो हवा में होंगे। इस एयर कन्वेयर पर दो लोग बैठ सकते हैं। ASM अबाकान सबसे नई असॉल्ट राइफल है जो मिशन इग्निशन मोड में डाली गई है। ये 5.56 एमओ यूज करती है और 30 गोलियां एक रिलोड में फायर करती है। इसमें फायरिंग के 3 मोड्स है, फुली ऑटोमेटिक, बर्स्ट मोड और सेमी ऑटोमेटिक मोड, और इसमें स्कोप, कैंटेड साइट्स, मैगजीन्स ये सब अटैच हो सकती है। ASM अबाकान को यूज करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी। मिनी मैप में आप पपी आइकॉन को फॉलो करेंगे तो आपको एक स्पेशल पेट्रोल डॉग मिलेगा। इस पेट्रोल डॉग के साथ आप दुर्लभ और उच्च आइटम्स को लोकेट कर सकते हैं। टैक्टिकल मार्किंग डिवाइस के साथ आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका साथी किस दिशा में फायर कर रहा है,
दुश्मन की जगह कहाँ है और सड़क की जानकारी भी मिनी मैप पे मिल जाएगी और ये आपको आसपास के ग्रेनेड की सूचना दिलवाएगी। इस हाईटेक शहर में आप रायट शील्ड से अपने आप को बुलेट से सुरक्षित कर सकते हैं। इसकी बनावट काफी बड़ी और मजबूत है। आपातकालीन में इसे इस्तेमाल करना ना भूले। एक बार आप इसे सेट कर देंगे फिर इसे हिला नहीं सकते। तो जरूरी है कि आप एक बढ़िया जगह देख के अपनी शील्ड का इस्तेमाल करें और बटन दबा के उसे सेट कर दे। आपके गेम को और पर्सनलाइज करने के लिए हमने और सेटिंग्स लगा दी है। हर एक बंदूक की सेंसिटिविटी आप अलग से सेट कर सकते हैं और अपने गन की सेटिंग्स को कॉपी करके ऑनलाइन ही स्टोर कर सकते हैं। कुछ लो स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइसेस पर स्मूथ से भी नीचे एक ग्राफिक का ऑप्शन डाल दिया गया है। हमने 90 FPS कुछ नई डिवाइसेस के लिए भी डाल दिया है। आप अब गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी का परिवर्तन कर सकते हैं। जब गायरोस्कोप एक्टिवेट होगा और आप फायरिंग कर रहे होंगे तब टिल्ट कैमरा की सेंसिटिविटी भी बदली जा सकती है। हमने एक और सेटिंग डाली है जिसे गायरोस्कोप का ऊपर और नीचे वाला इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। कुछ चीजों को आप डिस्कार्ड करने के बाद भी पिकअप हो रही है, फिकर ना करिए। इस अपडेट में यह मुद्दा भी स्पष्ट हो गया है। सेटिंग्स में जाकर डू नॉट पिकअप ड्रॉप्ड स्कोप्स पर क्लिक करिए। बेफिकर हो जाइए, अब आपके डिस्कार्ड किए चीजें अपने आप पिक नहीं होगी। और हाँ, एक और चीज, एडवांस पिकअप ऑप्शन, इसे आप अपने हथियार का फेवरेट अटैचमेंट सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद आपकी फेवरेट अटैचमेंट बाकी सब को रिप्लेस कर देगी। आप सेटिंग को इस समय एडजस्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पर्सन कैमरा में देखने का ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से 80 पर सेट होता है और इसे 90 तक बढ़ाया जा सकता है। ये रिलेटिवली वाइड कैमरा वाले डिवाइसेस पर दिखाई नहीं देता। विभिन्न EPS पर तेजी से लॉन्च का संतुलन में सुधार किया गया है ताकि बस स्पीड में कोई अंतर ना हो। हम बैठने के लिए तरक की गिनती करते हैं और साथ ही बैठने की प्रतिक्रिया समय में सुधार करते हैं। आप विभिन्न मूवमेंट्स को भी आजमा सकते हैं। हीलिंग कंज्यूमेबल्स का उपयोग करते समय ऑटो पिकअप रोक दिया जाता है। यदि वर्तमान हथियार उपयोग के दौरान गोला बारूद से बाहर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अगले उपलब्ध हथियार में बदल दिया जाता है। बिना कोई एमिनेशन वाली फ्लेयर गन्स ऑटोमेटिकली नहीं उठाई जाएंगी। रिमेनिंग मैग देखने के लिए अब अलग अलग रंग है। यदि यह 25% या उससे कम है तो ये पीला हो जाता है और ये लाल हो जाता है यदि ये 10% से नीचे चला जाता है। अब आप अपने साथियों के लिए जुड़ाव की स्थिति देख सकते हैं। जब उन्हें शूट किया जा रहा हो तो आप इन्हें उनके व्यक्तिगत स्टेटस बार में देख सकते हैं। इरेंगल और मीरामार में कुछ इमारतों में कांच की खिड़कियां जोड़ी गई है। रॉयल पास के लिए अपडेट साइकिल को 2 महीने से 1 महीने तक बदल दिया गया है। नए पीके को जुड़ाने के वजह से एक सामान एक्टिविटी पॉइंट्स वाली क्लैंस अब एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकती है। गैलरी फंक्शन को अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अब आप अपनी जीत के बाद एक ब्रॉन्ज स्टैचू जोड़ सकते हैं। NPC मिनी TV रे जोड़ दिया गया है। रे आपको लॉबी में संदेश अलर्ट और घोषणाओं के बारे में सूचित करता है और आपको इसे आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। ये एक प्यारा इमोटिकॉन के रूप में एक अतिरिक्त बोनस की तरह जो आपको लॉबी के माध्यम से अपने रास्ता नेविगेट करने में मदद करता है। ऐसा तब दिखाई जाता है जब आप गेम शुरू करते हैं और आपको विभिन्न अपडेट्स के बारे में सूचित करते हैं। ये आपके साथ प्रैंक भी कर सकता है और हंसी के अच्छे समझ के लिए जाना जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी को रे के साथ बहुत मजा आएगा। ये आज के अद्यतन प्रीव्यू का अंत है। अब चिकन डिनर का समय आ गया है।